बहरहाल एक बार पूर्णिया चले चलते हैं। सुजीत झा देखिए हमारे साथ आ गए हैं लाइव, वहां का हाल सुजीत झा बताएंगे और डेटा वहां का हम आपको यहां से दिखाएंगे कि आंकड़े क्या कहते हैं पूर्णिया के बारे में। उसके पहले वहां की तस्वीर जरा सुजीत झा से देख लेते हैं। सुजीत दिखाइए पूर्णिया की तस्वीर क्या कह रही है। सर देखिए तस्वीर तो बिल्कुल यहाँ कैमरामैन को कहेंगे कि दिखाने के लिए, पूर्णिया का ये बूथ नंबर 31 है और लंबी लाइनें आपको दिख रही होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मतदान का जो की रफ्तार है वो काफ़ी धीमी है। हम एक और जगह पर थे जो 120 नंबर जो बूथ नंबर था वहाँ भी लोगों की यही हालत थी। यहाँ पर जो ये जो मतदान केंद्र है यहाँ पर मतदान 1 घंटे देरी से शुरू हुआ लेकिन फिर भी रफ्तार काफ़ी कम है। 2 घंटे में केवल 7% मतदान हुआ है। पूरे पूर्णिया की बात करें तो 2 घंटे में 12% मतदान हुआ है। तो हर जगह कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मतदान कर्मी जो हैं वो तेज़ी नहीं दिखा पा रहे हैं, लोग अधीर हो रहे हैं। आप देखिए काफ़ी लंबी लाइनें हैं और धूप भी धीरे धीरे तेज़ हो रही थी। हालांकि सुबह में मौसम काफ़ी अच्छा दिख रहा था, बादल छाए हुए थे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है मौसम में गर्मी होते जा रही है तो ऐसा लगता है कि लोग भी काफ़ी उब रहे हैं। एक सज्जन हमें मिले वो बता रहे थे कि वो 2 घंटे से खड़े हैं, अब जाके उनका नंबर आया है, अब जाके वो अंदर वोट डालने गए हैं। तो इतना अगर वक्त लगेगा एक तो मतदान करने के लिए लगातार चिंता जायज है कि इतना वक्त लगेगा तो गर्मी बढ़ने के साथ साथ इतना मतदान पर असर पड़ेगा। वैसे सुबह 9 बजे तक का जो आंकड़ा आ रहा है मथुरा में 9.5% और बुलंदशहर में 10% वोटिंग हो चुकी है, 11% वोटिंग नगीना में हुई है। जिस पूर्णिया में सुजीत झा खड़े थे वहां की तस्वीर ये है। 2014 में 41% वोट जेडीयू को मिले थे, संतोष कुमार जीते थे, बीजेपी को 30% वोट मिला था और कांग्रेस के अमरनाथ तिवारी तीसरे नंबर पर थे 12% वोटों के साथ। 2009 में 52% बीजेपी, INDI को 25 और LJP को 3% वोट मिला था। ये पूर्णिया की तस्वीर है। इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये कवरेज लगातार जारी रहेगी। आप बने रहिए आज तक के साथ इस ब्रेक के बाद।